Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are welcome to lecture 6. And the topic for discussion is attribution, as well as we will also study personality. Dear students, in earlier lecture, we studied about the attribution and attribution theory. So attribution is actually making judgment about the behaviors of others, and while giving internal causes or giving the external cause for their behavior. हम यूं कह सकते हैं कि attribution में किसी के बिहेवियर के मुताबिक हम कह सकते हैं कि इसका बिहेवियर इंटरनली वजूहात की वजह से, पर्सनल फैक्टर की वजह से है, या एक्सटर्नली काजेस की वजह से है, या सिंपली हम यूँ कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से है. हम इस तरह जो है एट्रीब्यूट करते हैं किसी के बिहेवियर को. एक्चुअली सोशल परसेप्शंस जो हैं ज़्यादातर एट्रीब्यूशन में ही आते हैं. जहाँ तक परसेप्शन का ताल्लुक है, परसेप्शन जो है वो एक इंटरप्रिटेशन है इन्वायरमेंट से मुतालिक. किसी इवेंट या किसी सिचुएशन या किसी पर्सन को हम इंटरप्रेट करते हैं या गिव मीनिंग टू द इवेंट और सिचुएशन. द परसेप्शन इज एक्चुअली इट इज़ अ प्रोसेस इन विच the data is taken through senses from the environment, and then data are interpreted and organized in order to give meaning to the person, situation, event. हम सिंपली यूँ कह सकते हैं कि परसेप्शन जो है वो राय कायम करना किसी चीज़ के मुतालिक या किसी इवेंट या सिचुएशन से मुतालिक. एट्रीब्यूशन में ये होता है कि ये किसी के बिहेवियर को वजूहात देखते हैं, वजूहात इंटरनल काजेस को पे डालते हैं या एक्सटर्नल काजेस पे डालते हैं, उसको एट्रीब्यूशन कहा जाता है. डियर स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं. जिस तरह परसेप्शन में बहुत सारी जो है मिसपरसेप्शन जो है वो आ रहे थे, जिस तरह हमने हेलो इफेक्ट पढ़ चुके हैं, स्टीरियोटाइपिंग हम टाइप के मिसपरसेप्शन पढ़ चुके हैं, तो इसी तरह एट्रीब्यूशन में भी जो है बहुत सारे एरर आ जाते हैं. जो एक एरर जो हमारे सामने जो दिया हुआ है, एट्रीब्यूशन एरर. एट्रीब्यूशन एरर क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, the tendency to underestimate the influence of external factors and overestimating the influence of internal factors when making judgment about the behavior of others. इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि हम दूसरों के बारे में जब उनके बिहेवियर को जब एक्सप्लेन करते हैं दूसरों के, उनके एक्शंस या रिएक्शंस को, तो हम उनके एक्सटर्नल फैक्टर्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं और उनके इंटरनल फैक्टर्स को जो है ओवर एस्टिमेट करते हैं. ठीक है जी. मसलन कोई आपका हमसाया है, बेचारा बेरोजगार है, कोई रोजगार नहीं है, तो आप उसके बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं यार ये बंदा है, सुस्त, यही है जो है नलायक, इस वजह से जो है वो बेरोजगार है. हालांकि वो हो सकता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, इकॉनमी की हालत ख़राब हो गई हो, उन चीज़ों को हम इग्नोर कर लेते हैं. लेकिन जब ये बात आती है हमारे आप अपने आप पे, तो हम हमारा रवैया फिर डिफरेंट हो जाता है. जिस उस गलती को एट्रीब्यूशन ने उस एट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, सेल्फ सर्विंग बायस. और इसकी डिफिनेशन कुछ यूँ है, द टेंडेंसी फॉर इंडिविजुअल्स टू एट्रीब्यूट देयर ओन सक्सेस टू इंटरनल फैक्टर्स व्हाइल पुटिंग द ब्लेम ऑफ फेलियर ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स. देखो, एक स्टूडेंट जो है वो कामयाबी हासिल कर लेता है, इम्तिहान में टॉप करता है या पास हो जाता है नॉर्मली, या पोजिशन ले लेता है, तो कहता है कि यार मैं तो हूँ ही काबिल,
मैं तो जो है बस मैं मेरे अंदर ये काबिलियत है, बस वो और चीज़ों को नहीं देता, क्रेडिट अपने आप को देता है। हाँ, इन केस अनफॉर्चुनेट अगर वो नाकाम हो जाता है, वो स्टूडेंट्स इम्तिहान में फेल हो जाता है, वो हमारे टीचर ही सारे निकम में थे, सारे नाले रखते हैं, हमें पढ़ाया ही नहीं गया था, हम कॉलेज ही बेकार हैं, और सारा जो है जो कम जो 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 का नाकामी की जो सब कुछ है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डालता है। ये चीज़ें जो हैं गलतियाँ हमारे अंदर हो जाती हैं, इनको क्या कहा जाता है, सेल्फ सर्विंग बायस। जब अपने बिहेवियर के बारे में वो एक्सप्लेन करता है अपने बिहेवियर को, तो उसमें ये गलतियाँ आने का अंदेशा होता है। जब दूसरों को बयान करता है उनके बिहेवियर को, तो क्या कहता है, दूसरों के एक्सटर्नल को अंडर एस्टिमेट और उनके इंटरनल फैक्टर को ओवर एस्टिमेट करके बयान करता है, जिस तरह मैंने एग्जाम्पल सब लोग को बता देते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है जी। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सपोज कोई एक सेलमैन है किसी इदारे का, वो बेचारा जान मारता है और जो है कोशिश करता है और आखिर में टारगेट अचीव नहीं करता, तो उसे क्या कहा जाता है, यार ये जो है ना ये सेलमैन सही नहीं है, ये नालायक है, ये कमजोर है, कोशिश नहीं करता, सारा जो है उसको इंटरनल फैक्टर्स पे डालते हैं, जबकि एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है। कंपटीटर्स ने कोई नई चीज़ लाई हुई है, आपके प्रोडक्ट्स कंपनी के प्रोडक्ट्स के मुकाबले में उसने क्वालिटी की प्रोडक्ट पेश कर रहा है और पैकेज दे रहा है, असल वजह तो ये एक्सटर्नल फैक्टर है, लेकिन ये बेचारा सेलमैन की तो कोई गलती तो नहीं है, वो तो वही कोशिश तो कर रहा है, लेकिन ऐसे में दूसरे तरफ कंपटीटर्स भी आ गए हैं मार्केट में। तो ये चीज़ें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इन चीज़ों को जो है बाज टाइम जो है इग्नोर किया जाता है। तो ये हमें इन चीज़ों को पढ़ने से अंदाज़ा होगा कि ये चीज़ें हो सकती हैं, हमसे ये गलतियाँ हो सकती हैं। डियर स्टूडेंट्स, कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इम्प्रेशन मैनेजमेंट। इम्प्रेशन मैनेजमेंट को डियर स्टूडेंट्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ प्रेजेंटेशन। According to impression management, it is the conscious or subconscious process in which people attempt to influence others' perception about a person, object, or event by regulating and controlling information in a social interaction. यहाँ पे यह होता है कि सिंपली हम यूँ कह सकते हैं कि दूसरों के परसेप्शन पे असरअंदाज होना ज़्यादातर इंफॉर्मेशन को रेगुलेट करते हुए, ठीक है जी, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली या इस तरह कोशिश करना और इस तरह से जो है अपने आप को जो है वो बड़ा चढ़ा के पेश करना, अपने आप को बना करके पेश करना, ये क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि कोई रिवॉर्ड मिले। व्हाई वी डू इट, सिंपली वी डू इट इन ऑर्डर टू गेन ए रिवॉर्ड। मसलन किसी इदारे के अंदर जो है जो एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं, तो कुछ अपने आप को बड़ा आगे पीछे करते हैं, वो बॉस के वो जो है डायरेक्टर है या प्रिंसिपल है या कोई भी है जो बड़ा है इदारे का, तो उसके अंदर काम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, तो कुछ उसमें आपको इस तरह नजर आएंगे कि कभी उसके बॉस के पीछे आगे होंगे, कभी पीछे होंगे, और कभी जो है खुशामदियाँ कर रहे होंगे, कभी क्या कर रहे होंगे, अपने आप को क्या करने के लिए एक बड़ा जो है सिंसियर और बड़ा हार्ड वर्कर और इस तरह पेश करने के लिए, सेल्फ प्रेजेंटेशन, अपना इंप्रेशन बनाने के लिए उनके सामने कि मैं भी कुछ हूँ, मैं ये सारा मैं कर रहा हूँ ये वो, तो उसको इंप्रेशन मैनेजमेंट कहा जाता है। तो मैनेजर या लीडर को इन चीज़ों को समझना है, एम्प्लॉयज के अंदर ये चीज़ें होती हैं, ये पॉसिबिलिटीज हैं ह्यूमन, तो उससे क्या हो जाता है, उस को अगर हम नहीं समझेंगे तो रियलिटी तक नहीं पहुंचेंगे, जब इसको समझेंगे तो हमें रियलिटी और जो है अनरियल चीज़ों में हमें फर्क पड़ेगा, तो हमारे से फिर नाइंसाफी नहीं होगी। इसकी मिसाल हमें दिया वो है, ए प्लेयर इन सॉकर गेम वुड वांट टू शोकेस देमसेल्व्स इन द बेस्ट लाइट पॉसिबल बिकॉज देयर आर कॉलेज रिक्रूटर्स वॉचिंग, दिस पर्सन वुड हैव द फ्रेशेस्ट पेयर ऑफ क्लीट्स एंड ट्राई एंड परफॉर्म देयर बेस्ट टू शो ऑफ देयर स्किल्स, देयर मेन गोल मे बी टू इम्प्रेस द कॉलेज रिक्रूटर्स इन अ वे डेट मैक्सिमाइजेस देयर चांस ऑफ बीइंग चूजन फॉर अ कॉलेज टीम रादर देन विनिंग द गेम। एक मिसाल दिया हुआ है एक फुटबॉल के खिलाड़ी का कि वो जो है एक्चुअली कुछ रिक्रूटर्स आए हुए हैं, भर्ती करने वाले आए हुए हैं, वो बेस्ट प्लेयर को वो रिक्रूट कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, ये जो है प्लेयर जो है अपने आप को बड़ा वो शो कर रहा है, यार मैं तो सारा मैं खेल रहा हूँ और
वो जो है अपने इंडिविजुअली जो है अच्छा खेलने की, अपना गोल करने की कोशिश करेगा, बनस्बते अच्छे शॉट खेलने की, बनस्बते कॉलेज के टीम को जितवाने की बजाय टीम में अपने आप को एक नुमाया करने की पेश करने नुमाया करके पेश करने की कोशिश करेंगे, बनस्बते सारा फोकस जो है टीम वर्क पे देने की बजाय इंडिविजुअलिस्ट की तरफ चला जाएगा, इंडिविजुअलिज्म की तरफ चला जाएगा। तो ये जो है एक इम्प्रेशन मैनेजमेंट का एक मिसाल है। दूसरा जो है हम यूं भी कह सकते हैं कि डेकेड कंसीडर हिम हर सेल्फ अलाइन वाइल लुकिंग एट द मिरर, मतलब अपने आप को यूं समझना सोचना कि बड़ा मैं कुछ हूँ, मैं कुछ वो हूँ। जिस तरह बिल्ली जब वो देखती है आईने में तो वो अपने आप को शेर समझ लेती है, तो इसी तरह हम जो है भी ऐसे समझ लेना कि बस मैं हूँ और तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे फिर मसला क्रिएट हो जाता है। तो एक्चुअली जो है इंप्रेशन मैनेजमेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, टेक्निक्स हैं, स्ट्रेटेजीज हैं। तो इम्प्लाई इंप्रेशन मैनेजमेंट करते हैं, स्ट्रेटेजी टेक्निक्स अपनाते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, स्ट्रेटेजीज दिए गए हैं। एक स्ट्रेटेजी है इम्प्लाई की डिमोशन प्रिवेंशन, प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी इंप्रेशन मैनेजमेंट के हवाले से। दूसरा डियर स्टूडेंट्स वो है प्रोमोशन इनहांसिंग स्ट्रेटेजी। ये दो स्ट्रेटेजीज जो है और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अभी एक दो दिए गए हैं आपके कोर्स के हवाले से। डिमोशन प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी में होता है कि अकाउंट्स, पहले अकाउंट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि बंदा अगर कोई लेट आता है कोई एम्प्लाई, तो बॉस से जब पूछते हैं क्यों लेट आ गए, तो कहते हैं सर वो गाड़ी लेट हो गई थी, गाड़ी नहीं मिली थी, रश बहुत था, ये वो चीज़ें सारे बता देता है, रीजनिंग करता है उसमें उसके साथ, और ये हिले बहाने बनाता है उसको अकाउंट्स कहा जाता है। ये अपने अपने आपको किस लिए करता है, डिमोट होने से बचने के लिए। दूसरा जब उसकी गलती पकड़ी जाती है तो क्या करता है, जी अपोलोजीज, माफी मांगता है सर बस गलती हो गई, मैं आइंदा नहीं करूंगा, मैं ख्याल रखूंगा, मैं आई विल बी वेरी केयरफुल। तो नेक्स्ट जो है वो क्या है, डिसोसिएशन। कोई कहीं खराबियां हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो उससे पूछे यार ये क्यों हो जाता है, मैं तो मुझे पता ही नहीं, मैं इसमें था ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था, अपने आप को एसोसिएट नहीं करता उस चीज़ों के साथ, कि थोड़ी बहुत कोई कमी हो जाती है। तो मतलब वो अपने आप को डिमोशन से बचने के लिए ऐसे स्ट्रेटजीज टेक्निक्स अपनाता है। दूसरा जो है क्या है, प्रोमोशन इनहांसिंग स्ट्रेटजी। ऊपर वाला नेगेटिव साइड है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे उसको उस सेंस में लेता है। मसलन जो है प्रोमोशन इनहांसिंग स्ट्रेटजी में इंटाइटल, वो हर एक चीज़ पे अपनी तारीफ करवाना चाहता है, हर एक चीज़ को क्रेडिट लेना चाहता है, इंटाइटल कि ये तो मैंने किया है, ठीक है जी। इन्हांसमेंट जो है उसे अगर थोड़ी बहुत तारीफ भी की जाए तो वो उसको और भी बड़ा चढ़ा के पेश करता है, वो और भी बढ़ाता है, यार तो ये कोई और कर ही नहीं सकता, ये तो मेरे सारा ही मेरी वजह से ही हुआ है सारा, ठीक है जी। नेक्स्ट जो स्ट्रेटेजी है वो है ऑब्स्टेकल डिस्क्लोजर्स। वो स्टूडेंट्स जब वो टॉप करता है ना तो कहता है यार ये आसान नहीं है, मैं तो रातों को जागता था, मैं इतना पढ़ता था, हालांकि इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन वो इतना मुश्किल बना के पेश करेगा कि ताकि दूसरों के सामने उसका ग्राफ बढ़े, वो अपने आप को और मजीद प्रमोट करना चाहे बॉस के सामने। तो ऐसे मुश्किल मुश्किल वो बातें बताएगा कि ये इस तरह ही और कोई बंदा नहीं है, 30 मार्क खान आया हुआ है, और कोई दुनिया में इस तरह का कोई बंदा नहीं है। नेक्स्ट ये एसोसिएट करेगा अपने आप को बड़े लोगों के साथ, कोई बॉस है, उसका प्रिंसिपल है, तो उसका जो इम्प्लाई है वो अपने आप को सेक्रेटरी के साथ कोई ताल्लुक जोड़ेगा, यार सेक्रेटरी मेरा कार्यवाल है, या वो दोस्त है, या फलानी है, लोगों के साथ एसोसिएशन करके दूसरे पे वो करेगा कि इसका कोई मतलब हो तो वो मुझे तरह से, तो उसमें मैं आपको मैं आगे ले जाऊंगा। तो ऐसे हिले बहाने वगैरह करके, ऐसे टेक्निक करके क्या करता है वो, अपना ऐसे इंप्रेशन, ऐसा तासुर देने की कोशिश करेगा कि यार इस इदारे में तो मैं ही हूँ, काम का बंदा तो मैं ही हूँ, हालांकि उस तरह नहीं होगा। ये चीज़ें पढ़ने से हमें इस बात का अंदाज़ा होगा कि इम्प्लाइज के अंदर चीज़ें हो सकती हैं, इस तरह का सिचुएशन क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकता है। तो ये जो था, ये था हमारे एट्रिब्यूशन का जो बात
वाक़ हिस्सा था चैप्टर का, वो इस तरह कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर वो है पर्सनैलिटी के हवाले से। डियर स्टूडेंट्स, पर्सनैलिटी जो वर्ड है उसके बारे में कहा जाता है कि ये एक ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड पर्सोना है। पर्सोना से पर्सोना चेंज हो गया विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये जो है पर्सनैलिटी वर्ड की शक्ल अख्तियार कर ली, जो एक नई रस्म की वर्ड है, नए रस्म का वर्ड है। तो पर्सोना का मतलब ग्रीक में मास्क के होते थे, ये जो मास्क हम पहनते हैं, जिस तरह ये COVID-19 के हवाले से हम जो मास्क पहनते हैं, इस तरह का मास्क, या इसका मतलब टू स्पीक थ्रू भी है। तो सिंपली पर्सनैलिटी वर्ड ग्रीक वर्ड है, और ये निकला है पर्सोना से। पर्सोना विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होके इट टुक द शेप ऑफ पर्सनैलिटी। द ग्रीक आर्टिस्ट इन अर्लियर टाइम्स यूज्ड टू वियर मास्क व्हाइल परफॉर्मिंग डिफरेंट रोल्स, सो दिस पर्सोना टेक्स द शेप ऑफ न्यू वर्ड व्हिच इज पर्सनैलिटी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक मैं जो बता रहा है कि ग्रीक में, यूनान वगैरह में जो है, जो हमें पता है कबल मसीह से, वो काफ़ी एजुकेशन में बहुत आगे हैं। तो जिस तरह जो है, हमने नाम सुना होगा बड़े बड़े थिंकरों का, स्कॉलरों का, सोक्रेटस, एरिस्टोटल और प्लेटो, सुकरात, अफलातून और अरस्तू के बारे में सुना होगा, इन इलाकों से इनका ताल्लुक था। तो यहाँ पे कहता है कि उस अर्लियर टाइम्स में वहाँ पे जो है थिएटर वगैरह में काम होता था, ड्रामे पेश किए जाते थे। आजकल ये तो बहुत कम होते जा रहे हैं, शाज़ो नादरी के यहाँ पर मिलेंगे। तो थिएटर में जो है आगे ड्रामा वगैरह पेश किया जाता था, तो वहाँ पे जो भी एक्टर आके जो परफॉर्म करता था, तो उस पर उस कैरेक्टर से मुतालिक है, उन्हें आपको अपना पर्सनैलिटी बनाता था। मतलब अगर टीचिंग का रोल अदा कर रहा है तो टीचर वाला मास्क पहनता था, अगर इंजीनियर का रोल अदा कर रहा है वो एक्टर, तो इंजीनियर का मास्क पहनता था, और इसी के मुताबिक उसका परफॉर्मेंस की तरह होती थी। या डॉक्टर का रोल अदा कर रहा है तो डॉक्टर वाला मास्क पहन के आकर के वो रोल अदा करता था। तो मतलब जो है कि वो पर्सनैलिटी इसी तरह जो है उनका वो शो करता था, कि उसके मुताबिक लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह रोल अदा करेगा। मसलन डॉक्टर वाला पर्सनैलिटी पहना है मास्क, तो उसका मतलब ये कि वो उसके रोल में, इस परफॉर्म में सारे डॉक्टरों वाली वो खसूसियात होंगी। तो ये था पर्सनैलिटी के हवाले से। अभी आते हैं चीज़ के डिफिनिशन की तरफ, कि पर्सनैलिटी चीज़ क्या है। The sum total of ways in which an individual reacts to and interacts with others. हम यूँ भी कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी जो है किसी इंसान के अंदरूनी बैरूनी तमाम उसका मजमा हो जाता है। यहाँ पर जो डिफिनेशन दिया हुआ है, the sum total of ways in which individuals reacts to and interacts with others, दूसरों के साथ react या interact जो भी करता है उस सब का मजमू होता है पर्सनैलिटी। अनदर डेफिनेशन हैज बीन गिवन हियर, इट रेफर्स टू अ रिलेटिवली स्टेबल सेट ऑफ फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स दैट हैव बीन सिग्निफिकेंटली फॉर्म्ड बाय जेनेटिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स। यहाँ पे जो राइटर है वो कहता है कि रिलेटिवली स्टेबल सेट ऑफ फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स, इसके अंदर जो बिहेवियर और फीलिंग्स वाला है स्टेबल होंगे ज़्यादातर, डे टू मी सिंगली फॉर्म बाई जेनेटिक एनवायरमेंट, जो वो किस तरह बने होंगे, जेनेटिक हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक्स प्लस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, जिसे हम कहते हैं नेचर और नर्चर की वजह से वो बन गए होंगे। जिस तरह जीन्स जो है ना, जो मॉलिक्यूलर जो वो है जीन्स का, जो क्रोमोसोम्स में होते हैं, उसमें वो खसूसियात होते हैं सारे इंसान की आबाओ अजदाद के अंदर, जो उनके जो भी वो हैं अल्लाह ताला ने इसके अंदर रखे हुए हैं, और ब्लड के अंदर आ जाता है। तो बाप और उसका बेटे, बाप के अंदर सपोज अगर बाप बहुत अच्छा फुटबॉलर है तो उसका बेटा भी हो सकता है कि उसके अंदर वो खसूसियात आ जाए जीन्स में, तो भी बड़ा अच्छा फुटबॉलर हो सकता है। तो प्लस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जिस माहौल में परवरिश पा रहा है, तो वहाँ से इसकी जो है
वो बन जाते हैं, फीलिंग्स और बिहेवियर्स वहां से इस तरह उसके बन जाते हैं। इट मीन्स पर्सनैलिटी इज अ प्रोडक्ट ऑफ नेचर एंड नर्चर। इस डेफिनेशन के मुताबिक कि पर्सनैलिटी नेचर और नर्चर का मजमुआ है, हेरिडिटरी और माहौल का मजमुआ है। द पर्सनैलिटी ऑफ पर्सन इज मेजर्ड बाय टेकिंग सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सन रेंजिंग फ्रॉम इंटेलिजेंस एबिलिटीज टू अदर एस्पेक्ट्स लाइक सेल्फ एस्टीम एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। इसको मेजर भी किया जाता है पर्सनैलिटी, जैसा मैं आपको बता रहा है कि काबिलियत, इंटेलिजेंस, जहानत और काबिलियत एस्पेक्ट से लेकर के उसके इमोशनल स्टेबिलिटी, सेल्फ एस्टीम, इस तरह जो है वो आजकल इस तरह टेस्ट डेवलप किए गए हैं जिनकी पर्सनैलिटी वो की जाती है, मेजर की जाती है। यहाँ पे तीन डिटरमिनेंट्स दिए गए हैं पर्सनैलिटी के, और वो हैं पहला हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं, दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, तीसरा सिचुएशनल फैक्टर्स हैं। ये किसी भी की पर्सनैलिटी को डिटरमिन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी आते हैं जी बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेट्स। एक थ्योरी है बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेट्स थ्योरी, जो हमें किसी के पर्सनैलिटी के बारे में हमें बता देता है कि पर्सनैलिटी किस तरह है। और इसमें जो है मेजर करने के लिए एक स्केल यूज़ किया जाता है, क्वेश्चनियर स्केल किया जाता है, जो बहुत ज़्यादा डिवेलप से ऑनलाइन मिल जाते हैं नेट पे। तो उन क्वेश्चनियर्स के थ्रू जो है किसी भी ह्यूमन बीइंग का आप पर्सनैलिटी डिफाइन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए फाइव फैक्टर्स या फाइव मॉडल्स या फाइव डायमेंशंस पर्सनैलिटी के लिए गए हैं। उनमें ओपननेस है, कंसेंशियसनेस है, एक्सट्रोवर्जन है, एग्रीएबलनेस है और न्यूरोटिसिज्म। ये पांच वर्ड्स हैं जिनको एक्रोनिम ओशन के नाम से अगर हम ले लें तो हम आसानी से हमें याद हो जाएंगे, ओपननेस, कंसेंशियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस एंड न्यूरोटिसिज्म। डियर स्टूडेंट्स, इन पे काम जो है 1960 ऑलमोस्ट 60s में इनके एक काम लेविस गोल्डबर्ग ने इस पर शुरू किया था और अपने कुछ साथियों को लेकर के इसने काफ़ी इसको डिवेलप किया था। और उसके बाद कोई 4500 वर्ड्स पर्सनैलिटी ट्रेड्स उसने वो डिफाइन किए थे। उसके बाद जो है डिकमैन जो एक मशहूर स्कॉलर हैं, उसने 1990 में इस पे अपना जो फाइव फैक्टर डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी सामने ले आया, और इन्हीं नामों से ओशन, कंसेंशियसनेस, एक्सट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस और न्यूरोटिसिज्म के नामों से। तो ये फाइव फैक्टर पर्सनैलिटी के नाम से बहुत मशहूर हो गया। और तो इस थ्योरी के मुताबिक जो है ये पांच डायमेंशंस हैं, और फिर जो है इनका देखा जाता है हाई एक्सट्रीम और लो एक्सट्रीम और मीडियम एक्सट्रीम। यहाँ पे तो मीडियम एक्सट्रीम मीडियम स्कोर नहीं दिया गया है, हाई स्कोर, लो स्कोर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है सपोज ओपननेस है, इसका अपोजिट क्लोज होगा। कंसेंशियसनेस है, इसका अपोजिट जो है ना स्पॉन्टेनियस हम कह सकते हैं। अनकन्शियसनेस कह सकते हैं। दूसरा एक्स्ट्रावर्जन है, इसका अपोजिट इंट्रोवर्जन होगा। एग्रीएबलनेस, डिसएग्रीएबलनेस, न्यूरोटिसिज्म, इमोशनल इंस्टेबिलिटी को कहा जाता है, इसका अपोजिट इमोशनल स्टेबिलिटी होगा। डियर स्टूडेंट्स, अभी देखें यहाँ पे ओपननेस है, इसमें जो है अब किसी का एम्प्लाई या किसी भी बंदे का आप मालूम करना चाहते हैं उसका पर्सनैलिटी, तो ओपननेस के हवाले से आप देखेंगे। आप उसको दे देंगे कुछ क्वेश्चंस, और उस क्वेश्चंस में आप ये मालूम करने की कोशिश करेंगे। सपोज बंदा बहुत इमेजिनेटिव है, क्रिएटिव है, ओरिजिनल है, वैरायटी है, क्यूरियस है, मुतजस्सिस टाइप का बंदा है, लिबरल आज़ाद टाइप का बंदा है, क्रिएटिव माइंड का बंदा है। तो अगर उसमें ये चीज़ें हैं क्वेश्चनियर में, आपको ये पता चल गया कि इसके अंदर ये वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, हाई स्कोर अगर इस पर करता है इन चीज़ों पे, तो उसका मतलब ये है कि वो जो है ज़्यादा ओपननेस उसके अंदर है। अगर लो स्कोर करता है तो ओपननेस के अंदर कम है, डाउन टू अर्थ। और लो स्कोर में क्या आता है, डाउन टू अर्थ, अनक्रिएटिव है, कन्वेंशनल, बहुत रिवायती है, क्यूरियस नहीं है, कंजर्वेटिव टाइप का बंदा है,
मतलब जो है वो क्लोजनेस तरफ करीब करीब है, ओपननेस उसके अंदर नहीं है। तो एक मीडियम वाला आप आ जाते हैं, उस मीडियम में बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी नहीं है, बहुत कम भी वो भी नहीं है, वो एवरेज या मेडियोकर ले लेते हैं। तो इन दो हाई स्कोर लो स्कोर के दरमियान कहीं उसकी पर्सनैलिटी आ जाती है किसी बंदे की, ये हाई लो और मीडियम के दरमियान। तो अभी आपको पता चल जाए कि यार ये कितना ओपननेस है और कितना क्लोजनेस है, ओपननेस कितना ज्यादा है और कितना कम है और कितना दरमियाना है। अभी नेक्स्ट आते हैं जी कॉन्शियसनेस। ये वर्ड, इस कॉन्शियसनेस वर्ड का मतलब ये है हार्ड वर्किंग, वेल ऑर्गेनाइज, पंक्चुअल, एम्बिशियस, प्रिजर्विंग। ठीक है जी, हाई स्कोर अगर है तो इसके अंदर ये खसूसियात है, हार्ड वर्किंग, वेल ऑर्गेनाइज, पंक्चुअस, पंक्चुअल वगैरह है। अगर लो स्कोर कर जाता है, उसका कम आ जाता है स्कोर, तो नेग्लिजेंट है, गाफिल है, सुस्त है, डिसऑर्गेनाइज्ड है, एमलेस है, क्विटिंग है, तो ये चीज़ें एक मीडियोकर है, ना ज्यादा हार्ड वर्क है ना कम वो है, लेजी है, दरमियाना है। ठीक है जी, तो अभी तो आपको पता चल जाएगा कि बंदा किस तरह है। ठीक है जी, कॉन्शियसनेस के हवाले से आपने देख लिया। नेक्स्ट आते हैं जी, ये अपने आप पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं कि हम कि कहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट, एक्सट्रोवर्जन मतलब बहुत ज्यादा, जिस तरह यार बाश वगैरह हम नहीं कहते हैं, बहुत ज्यादा बातें करने वाला, एक इंट्रोवर्ट होता है वो अलग थलग रहने वाला। तो यहाँ पे एक्सट्रोवर्जन का क्या मतलब है, अफेक्शनेट, जॉयनर, टॉकटिव, फन लविंग, एक्टिव, पेशनेट। हाई स्कोर हो तो इस तरह होता है एक्सट्रोवर्जन, अगर लो स्कोर हो तो इसका अपोजिट आ जाता है इंट्रोवर्जन, और वो किस तरह होगा, लो स्कोर वाला होगा, रिजर्व होगा, अपने आप को अलग अलग रखेगा, लोनर होगा, अकेला रहने वाला, खामोश, सोबर, पैसिव, एक्टिव नहीं होगा, पैसिव होगा, अनफीलिंग, जज्बात भी इस तरह नहीं होंगे। और एक दरमियाना वाला भी हो सकता है, बहुत ज्यादा टॉकटिव भी ना हो, बहुत कम भी ना हो, दरमियाना वाला भी हो सकता है। तो इसमें से आप देख लेंगे कि अपने आप ही भी अप्लाई करते हो तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे आते हो। तो इस पर आप देखेंगे, पहले वाले में अगर आप जो है इमेजिनेटिव बहुत ज्यादा है, तो दूसरे में जो है ना अगर आप लो स्कोर या दरमियान स्कोर में आते हैं, तो थर्ड में आप कहाँ पे आते हो। तो एक्सट्रोवर्जन में ये चीज है। नेक्स्ट आते हैं जी एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस में अगर हाई स्कोर वाला है, ज्यादा है किसी के अंदर, वो क्या है, सॉफ्ट हार्टेड, एग्रीएबलनेस के अंदर ट्रस्टिंग है, जेनरस है, एक्विसेंट है, लेनियंट है, गुड नेचर है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो है हाई स्कोर वाला, तो इसे बहुत अच्छे अच्छे खुशियात है। इस एग्रीएबलनेस के अपोजिट डिस एग्रीएबलनेस, दूसरा एक्सट्रीम हो गया, एक हाई एक्सट्रीम, दूसरा लो एक्सट्रीम। लो एक्सट्रीम में देखा रथलेस, सस्पिशियस, नेगेटिव वाली बातें हैं, अपोजिट इसके स्टिंगी, एंथेगोनिस्टिक, क्रिटिकल, इरिटेबल, जो इतना अच्छा खसूसियात नहीं है, उसका दरमियाना भी हो सकता है। और लास्ट वन जो है न्यूरोटिसिज्म बॉट, उसने इस्तेमाल किया, इसका मतलब इमोशन इंस्टेबिलिटी। इसके जो हाई स्कोर वाले क्या हैं, एंजियस, टेम्परामेंटल, सेल्फ पाइटी, सेल्फ कॉन्शियस, इमोशनल, बहुत जज्बाती किस्म का बंदा, बहुत परेशान, मूडी बंदा, अगर हाई स्कोर हो। अगर लो हो तो अच्छा, मतलब इसकी पॉजिटिव आप आ जाए, काम, इवन टेम्पर, सेल्फ सेटिस्फाइड, कंफर्टेबल, अनइमोशनल, बहुत जज्बाती नहीं, कंफर्टेबल, बड़ा बैलेंस वाला वो अप्रोच वाला। तो जो पहले वाला है बड़ा डेंजरस किस्म का है, दूसरा जो एक नॉर्मल वाली बात आ जाती है। तो यहाँ पे आप किसी के पर्सनलिटी यहाँ पे लेगा कि आप देखेंगे हाई स्कोर में आता है, एवरेज या बैलेंस में आता है। बैलेंस यहाँ पे नहीं दिया गया है, एवरेज अगर आप वैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लो स्कोर में आता है, कहाँ पे आता है। तो फिर इन पांचों जो वर्ड दिए गए हैं, इस पे ढाल करके किसी के बारे में आप बता सकते हैं कि यार यहाँ पे ये है, ये इस तरह का बंदा है। फिर इसके अपने ऑर्गेनाइजेशन में इसको अप्लाई करो। सपोज एक बंदा जो है उसके अंदर जो है ओपननेस हाई स्कोर है, तो बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्रिएटिव माइंड बंदा हो, क्यूरियस हो, लिबरल हो, इमेजिनेटिव हो, तो वो लीडरशिप क्वालिटीज हैं ये किस्म के, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए परफॉर्मेंस बढ़ाएगा, बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन नीचे आकर के उसका न्यूरोटिसिज्म में जो है वो क्या है, एंजियस बहुत है, टेम्परामेंटल, इमोशनल, जज्बाती बहुत, एक बात के दूसरे बात के लोगों से लड़ाई करता है, वो परेशान किस्म का बंदा है, हमेशा जो है ना किसी काम उसको दे दो वो इतना टेंशन लेता है कि वो उस टेंशन में दूसरों को भी वो खराब करेगा। इस तो बहुत खराब वाली बात आ गई,
ये तो हाई बहुत हुआ है। तो अभी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे बंदे को लगाओ, क्रिएटिव माइंड का है, क्यूरियस भी है, लेकिन बड़ा टेंशन वाला बंदा है, उस टेंशन में दूसरों के लोगों को भी वो परेशान करता है, ये तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो मसाइल खड़े करेगा, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएंगे फिर। देखें तो ये आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप देखेंगे ओपननेस जिसके अंदर ये वाला हो, और या ओपननेस में क्लोजनेस वाले अगर खुशियत किसी के अंदर है तो मसले क्रिएट हो सकते हैं। कंजर्वेटिव टाइप को चेंज लेके आएंगे, वो हमसे कहे नहीं नहीं मैं नहीं करता इन चीज़ों को, मैं चेंजेस को नहीं करता। अगर हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि वो अगर ओपननेस कम है, क्लोजनेस है, अगर ऑनलाइन क्लास और लेक्चर सुनो वो पढ़ो, नहीं नहीं मैं नहीं करता, मैं ऑनलाइन में क्लास नहीं पढ़ूंगा, तो मसला हो गया ना आपके लिए क्रिएशन, वो खुद भी अपने लिए भी मसला करेगा, आपके लिए भी मसला करेगा। तो इस पर्सनैलिटी से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फर्क होता है। कंसेशन वाला अगर एक एम्प्लॉई है तो उसका मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वो आपको उसको कुछ प्लान दे दो, अच्छी तरह से प्लान के मुताबिक काम करेगा। अगर इसका लो स्कोर वाला बंदा है, लेजी है, वो तो वो एक काम उसको दे दो, वो जो है हाथ पे हाथ धर के वो बैठा रहेगा, डिसऑर्गेनाइज काम करेगा, लेकिन वो दूसरे कामों को भी खराब करेगा, एक काम करेगा दो काम खराब करेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोगों को देखा जाता है पर्सनैलिटीज के थ्रू। एक्सट्रोवर्शन बंदा, इसमें टॉक टू, फॉरिंग, पैशनेट, अफेक्शनेट, एक लीडर वाला बंदा खुशियात है। लो स्कोर वाला क्या है? रिजर्व, डोनर, तो उसके अंदर लीडरशिप तो नहीं होती ना, लीडरशिप क्वालिटीज। तो उसको अगर कोई बड़ा काम दे देते हैं, लीडरशिप वाला रोल उसको दे दिया जाता है, तो बजाय खरीदारे को आगे ले जाने के पीछे लेके चला जाएगा। एग्रीएबलनेस, सॉफ्ट हार्टेड, ट्रस्टिंग, जेनरस वगैरह, ये भी जबरदस्त क्वालिटीज हैं, गुड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड क्वालिटीज हैं। अगर ये वाला बंदा हाई स्कोर वाला वेरी गुड नहीं है, तो लो स्कोर वाला तो सारे मसले ही मेरा सस्पिशन, दूसरे पर शक करके रहेगा, शक करेंगे तो दूसरे जो है ना वो अच्छे लोग छोड़ के जा सकते हैं, थोड़ी बहुत भी इरिटेट हो सकता है। इसी तरह न्यूरोटिसिज्म में देखें जी, जो हाई स्कोर वाला है एंग्जियस ना, बहुत इमोशनल बंदा, अगर लीडर भी आ गया तो वो जज्बाती जो है वह जज्बाती फैसले करेगा, उसमें रीजनिंग वाली बात कम होगी, जज्बात ज़्यादा होंगे, तो मसले ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकते हैं ना। तो ये पर्सनैलिटी ट्रेड से किसी के पर्सनैलिटी ट्रेड्स को मेजर किया जाता है, और उसके बाद उसको जिस तरह जो है ये पर्सनैलिटी ट्रेड्स लिए जाते हैं, अगर आप ISSB कैप्टनशिप के लिए अप्लाई करें आर्मी में, पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी में, तो उसका पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाता है, और देखा जाता है कि यार कितना इसका इमोशनली स्टेबल है, और कितना जो है क्रिएटिव है, या किस तरह है, मुख्तलिफ वो आपका टेस्ट लेते हैं, मुख्तलिफ जुमले आपको दे देते हैं कि यार ये जुमले लो इसका वो करो, ये एक वर्ड लो इसका जुमला करो, जुमलों में इस्तेमाल करो, उस जुमले में जब इस्तेमाल करते हैं तो आपको माइंड को रीड किया जाता है, तो इसे आपके पर्सनैलिटी को देखते हैं कि यार किस तरह का ये बंदा है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी ट्रेड्स के हवाले से, एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त थ्योरी है पर्सनैलिटी के हवाले से, तो इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ गया होगा। और इसके साथ जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।